बेचारा बीमार बेटा बैठे हैं शेड में। ये गिर काव है, वो तो गिर काव है वाइफ की। ये थेपला है पीला पीला और उसके नीचे नॉर्मल रोटी है, ट्रांसफार्मर सा बना हुआ है और वो आगे एक और पे जुड़ा है और वो फिर आगे गांव की तरफ था। ये यहाँ पे आप देखो वेलकम टू द्वारका इस्कॉन गेट लिखा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुबह के बज गए हैं 10:30 10:33 और अभी हम हैं सोमनाथ में। आज हम जाने वाले हैं इस पावन नगरी से दूसरी पावन नगरी जो है द्वारका, और ये ऑलमोस्ट 4 घंटे का रास्ता होने वाला है और टोटल किलोमीटर होने वाले 240। और बीच में एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह आएगी पोरबंदर। अगर आप लोगों को नहीं पता तो पोरबंदर वो जगह है जहाँ गांधी जी पैदा हुए थे, वो हमारे रास्ते में एकदम बीच में पड़ता है। ये सामने आप देख सकते हो हम इस होटल में रुके थे, सरोवर पोर्टिको सोमनाथ। ठीक ठाक होटल है, यहाँ पे काफ़ी सारे हैं बट अपने को ठीक ठाक होटलों में सबसे सस्ता ये पड़ रहा था। इधर हमने पर डे 4500 के आसपास दिया था। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं और भोले का नाम लेके चलते हैं द्वारका। द्वारका में हम दो जगह जाएंगे, द्वारका भी जाएंगे मंदिर और भेट द्वारका भी जाएंगे शायद, और वहाँ पे भी पक्का जाएंगे, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भी पक्का जाएंगे। और अब अपने को वापस जाना है, जिस रास्ते से हम आए थे उसी से थोड़ा आगे तक वापस जाना है। सो हर हर महादेव, निकलते हैं यहाँ से। और ये अभी पीछे हमने आज का पहला टोल प्लाजा पार किया, ये है धारी टोल प्लाजा। और अब हम जा रहे हैं सीधा आगे और ये रोड जा रही है, अभी तो हमें पोरबंदर साइड जाना है पहले और फिर पोरबंदर से द्वारका के लिए, मतलब सीधी सीधी रोड है, बीच में पोरबंदर आएगा, वहाँ से फिर बस रोड चेंज करनी है। सामने आप देख सकते हो ये है गुजरात की रोड। अब ये नेशनल हाईवे ही बता रहा है ऐसे मेरे को, गुजरात में एक ये है कि नेशनल हाईवे से अच्छा स्टेट हाईवे होता है। कल हम स्टेट हाईवे से बीच में आए थे, बहुत सही था, ट्रिपल लेन था, तीन लेन था। ये नेशनल हाईवे फिर भी दो लेन है बट वैसे इतना ट्रैफिक है नहीं, तो आई थिंक दो लेन भी सही है। बट चलिए अभी रह गया है 220 किलोमीटर रह गया है और 3.5 आवर्स का रास्ता बता रहा है अभी भी, तो चलते हैं आगे। ये आप इधर देखो द्वारका 209 किलोमीटर, जेतपुर 99, राजकोट 171। सो अब हम द्वारका के रास्ते पे हैं, बोर्ड भी दिख गया है, बहुत बढ़िया है, चलिए आगे चलते हैं। हम सोमनाथ से थोड़ा बाहर आ गए हैं, मतलब लगभग आई थिंक 20 किलोमीटर आ गए हैं हम, और हाँ 25 किलोमीटर आ गए एज पर गाड़ी। अब सीन क्या है यहाँ से, ये द्वारका के लिए बोल रहा है कि आप सीधा हाईवे लो, मतलब जो रोड पे बोर्ड लगा है, बट अपना गूगल बोल रहा है कि यहाँ से लेफ्ट मारो। तो मैंने थोड़ा गूगल मैप खोल के देखा तो सीधे में क्या है, सीधे में हाईवे है, जूनागढ़ की साइड जाएगा, फिर वहाँ से वो दूसरा रास्ता बता देगा। और इधर ये जो रास्ता है ये समुंदर के किनारे से जाएगा, ये बोर्ड देखो आप, सीधा जो है वो जूनागढ़ जाके हाईवे ले जाएगा और ये जो लेफ्ट वाला है ये पोरबंदर से ले जाएगा। पोरबंदर एकदम समुंदर के किनारे वाला एरिया है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम लेफ्ट से जा रहे हैं पोरबंदर वाले रास्ते से, बिकॉज पोरबंदर वाला रास्ता क्या है, वो पूरा ही समुंदर के एकदम कोने से चल रहा है, मतलब समुंदर के एकदम पास से जा रहा है। तो मुझे लगता है कि वहाँ नज़ारे ज़्यादा मज़ेदार होंगे। शहर तो हमने बहुत देखे हैं तो हमें शहर देखने का इतना कोई शौक नहीं है, तो हमें हाईवे से इतना प्यार नहीं है, गाँव की रोडों से थोड़ा अंदर अंदर से ले जा रहा है। बट मुझे लग रहा है ये इंटरेस्टिंग होगा, तो मैं थोड़ा रिस्क लेके अंदर अंदर के रास्ते से निकल रहा हूँ। चलिए अभी तो हम यहाँ पे हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं फिर देखते हैं क्या है नज़ारे, आपको भी दिखाते हैं। बोर्ड आ गया है मंगरौल 24, पोरबंदर 106, द्वारका 210। हाँ अब इधर से भी द्वारका का हाईवे में बोर्ड तो लगा है बट पीछे वाला बोर्ड सीधे से भी बता रहा था, तो मतलब मर्जी है आपकी, दो तीन रास्ते हैं जहाँ से भी आप जाओ। हमें ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज ये समुंदर के किनारे किनारे से दिखा रहा है, सो हम इस पर आ गए। अब अपना मेन काम क्या है, थोड़ा सा दवाई लेना है, हमारे बेटे को बुखार है कल रात से। कल हुआ क्या कि इसको पूल करने का बहुत शौक है, स्विमिंग करने का, तो ये पीछे पड़ा हुआ था, वहाँ पे भी वडोदरा में भी स्विमिंग नहीं कर पाया, हम लेट पहुँचे थे होटल में और पहले दिन भी हम लेट पहुँचे थे, नहीं कर पाया। तो कल मैंने सोचा कल शाम को थोड़ा कि करा देते हैं, सो एक घंटा गया। अब कल क्या था, मैं नहीं गया पानी में, मुझे थोड़ा काम था, तो मैं अपना बैठ के वीडियो एडिट कर रहा था और मैंने पानी भी चेक नहीं किया कितना ठंडा है, ये चला गया और पानी था बहुत ठंडा। अब ये तो बच्चा है, ये क्यों बोलता ठंडा है, तो इसने तो एक घंटे मज़े से किया, बट जैसे ही इसने स्विमिंग करा उसके एक घंटे डेढ़ घंटे बाद इसने खाना खाया और फिर इसको आ गया बुखार और रात भर बुखार रहा। तो इसके लिए अब कैल्पोल लेना है और अब इसके सारे स्विमिंग के कपड़े हमने परमानेंटली पैक कर दिए, अब इस पूरी ट्रिप में इसको स्विमिंग नहीं करानी,
अब मेन है इसके लिए दवाई लेनी है, और सामने ये रोड देखो आप, ऐसे रास्तों से हम निकल रहे हैं कहीं एक दवाई की दुकान नहीं दिखी, हो तो गए अपने को 30 किलोमीटर वहाँ से निकले हुए, बट अभी तक कोई केमिस्ट नहीं दिखा। हम ढूंढ रहे हैं पूरे रास्ते में, देखते हुए हम जा रहे हैं, ढाबे मिल रहे हैं, खाने पीने का बहुत मिल रहा है, बट कोई केमिस्ट नहीं दिखा। चलिए आगे उम्मीद है कहीं ना कहीं मिलेगा। अपने जा रहे हैं द्वारका की ओर जा रहे हैं, और ये सीन देख के अगर आप गाड़ियों का नंबर प्लेट छोड़ दो तो ये सामने का सीन देख के आपको लग रहा होगा कि हम तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के किसी गाँव से निकल रहे हैं, बिकॉज रोड के दोनों साइड में कोकोनट के पेड़ हैं अच्छे खासे, और बीच में सिंगल लेन रोड है। ऐसा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बहुत दिखता है। तो थोड़ी देर के लिए तो मेरा दिमाग भी ऐसे ही बहक गया था, मुझे भी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं साउथ में जा रहा हूँ। फिर मुझे याद आया नहीं, हम गुजरात में हैं, गुजरात। और गर्मी भी वैसी है, गर्मी भी वही है, लगभग 30 डिग्री है, और क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी पूरी ठंड में 30 डिग्री ही रहता है। सो मौसम सब कुछ नज़ारे ऐसे लग रहा है। भारत पेट्रोलियम का पंप भी आ गया बट कंपनी ओन नहीं है। चलिए केमिस्ट तो अपने को अभी भी नहीं मिला, ढूंढते हुए चलते हैं। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ रास्ते में, ये बोल रहा है स्लाइड लेफ्ट मारो 60 मीटर में। अब स्लाइड लेफ्ट क्या होगा, उधर है, उधर से तो रोड अंदर जा रही है ना, आई थिंक ये ऊपर ही है, ये थोड़ा सा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। चलिए ये हम निकल रहे हैं, अभी भी बहुत दूर हैं, गुजरात की खाली खाली रोडों पे आ गए हैं। रोड अब बेहतर हो गई है पहले से, डबल लेन हो गई है, पहले बहुत मतलब थोड़ी देर से सिंगल लेन थी, होपफुली ये डबल लेन चलेगा, दिख तो रहा है मैप में कि डबल लेन है। चलिए चलते आगे नज़ारे एंजॉय करते हुए। हम पहुंच गए हैं, क्या बोलते हैं, पूर्वी भारत से एकदम से हम पहुंच गए दक्षिणी भारत। कोकोनट के पेड़ हैं, खाली खाली रोड है। ओ भाई, जैसे ही रोड की तारीफ करी ऐसा भयंकर बम्प आया, सब हिला दिया। चलिए वो तो मेरी गलती है, मैंने देखा नहीं, आई थिंक वहाँ लोग बस बस चढ़ते होंगे तो इसलिए वहाँ बम्प बनाया हुआ था। चलिए हम तो रोड मज़े लेते हुए जा रहे आगे। ये हमारा बेचारा बीमार बेटा, बस वाला भी क्या हॉर्न मार रहा है, कोकोनट वाटर पी रहा है। इसके लिए मेडिसिन लेना था, यहाँ सरकारी दुकान है मेडिसिन की बट अभी खुली नहीं है तो हम ले नहीं पाए। चलिए रास्ते में कहीं ढूंढेंगे, कहीं कुछ मिल जाए। यहाँ एक्चुअली ये कोकोनट वाटर के साथ में दुकान दिख गई बट बंद है। इतना पी लो अच्छा लगेगा, फिर ये इतना कोकोनट वाटर पी लो फिर अच्छा लगेगा। नहीं, हम निकल रहे हैं, गुजरात की रोडें हैं, एकदम कोकोनट के खेत हैं। और यहाँ की एक बड़ी अजीब बात जो मेरे को समझ नहीं आई वो ये है कि यहाँ पे अमूल की दुकानें तो बहुत हैं, मतलब अगर आपको अमूल का दूध दही कुछ खरीदना तो हमें इतनी दुकानें दिखी, बट दवाई की दुकान कोई नहीं है, और काफ़ी दूर तक नहीं है, मतलब हमें लगभग हो गया होगा 10-20 किलोमीटर देखते आते हुए। एक्चुअली हम तो सुबह होटल बाहर निकलने से ही देख रहे हैं, और हमारी गाड़ी लगभग 1 घंटा कल चल चुकी है, और हम 42 किलोमीटर क्रॉस कर चुके हैं, और अभी तक हमें एक दवाई की दुकान नहीं दिखी। बीच में एक दिखी थी सरकारी दुकान बट वो बंद थी। अब या तो ये कारण भी हो सकता है कि ये बाईपास कर रहा है रास्ता, बाहर से जा रहा है, मतलब मेन गांव या शहर से नहीं जा रहा शायद, इसलिए भी हो सकता है, अब पता नहीं। बड़ा दिक्कत का मामला है ये। मैं हमेशा रखता था दवाई एडवांस, मतलब हमारे किट में रहता था, ट्रैवल किट में, बट इस बार अभी ये जस्ट ठीक हुआ था, अपने को लगा क्या दोबारा बुखार आएगा, बट एकदम अब कल ठंडे पानी में नहाने से आ गया, अब क्या करें। चलिए ढूंढते हैं। अब ये मंगरोल शहर के पास आ गए हम। हमने पीछे किसी से पूछा था कि दवाई कहाँ मिलेगी, तो उन्होंने बोला था मंगरोल में मिलेगी। सो मंगरोल शहर अब आ गया। अब यहाँ से गए कि हाईवे तो बाहर से बाईपास करके जा रहा है, बट अपने को दवाई लेनी है तो हम थोड़ा शहर के अंदर जाएंगे, जहाँ दवाई मिलेगी वहाँ से यू टर्न मार लेंगे। अब वैसे हमारा रास्ता तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ राइट से निकल जाता है क्या बोलते हैं हाईवे तो, बट हम शहर का, ये सामने शहर का गेट है मंगरोल गांव का, बट हम सामने जा रहे हैं अंदर, बिकॉज हमारी कोशिश है कि थोड़ी दवाई ले ली जाए, बेचारा बच्चा बिल्कुल खड़ा भी नहीं हो पा रहा। चलिए चलिए अब जहाँ देखते हैं, जहाँ दवाई मिलेगी वहीं से वापस यू टर्न मार के आ जाएंगे। अंदर मंगरोल शहर में आके हमारा काम हो गया, हमें एकदम मतलब शहर के थोड़ा सा ही अंदर आए थे, 400-500 मीटर अंदर पे अपने को दवाई मिल गई। अब ये है दवाई कैलपॉल 250 बच्चों के लिए, ये हमेशा गाड़ी में रखनी चाहिए अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो। एक इससे छोटा डोज भी आता है बट हमारे बेटे की उम्र के हिसाब से वो 250 आता है, आई थिंक इससे छोटा 120 था शायद छोटा डोज वाला, बट इसके लिए ये सही है। तो ये ले लिया। ये है हाईवे जो हम छोड़ के गए थे, एक दूसरी रोड से हम छोड़ के गए थे, मतलब थोड़ा पीछे छोड़ के गए थे, अब इसने घुमा फिरा के हमें थोड़ा सा आगे में जाके ये जोड़ दिया। अब अपने को खाना भी खाना है,
एक इधर भी दिख रहा है होटल, बट ज़्यादा लोग नहीं है। चलिए अब जो भी थोड़ा होटल दिखेगा जहाँ थोड़े लोग खा रहे होंगे, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि खाना ठीक ठाक है, तो वहाँ पे फटाफट खा के बेटे को दवाई पिला देंगे तो वो अपना मस्त रहेगा, और हम आगे निकल जाएंगे फिर पोरबंदर और द्वारका की ओर। ये यहाँ पे इतने सारे गाय बैठे हैं शेड में, ये गिर काऊ है, वो तो गिर काऊ है, बुल है मतलब, क्या बोलते हैं, पुरुष है वो, मादा नहीं है, बट वो है क्या बोलते हैं, ब्रीड गिर वाली है, A2। ये बहुत फेमस है इंडिया की ब्रीड, काफ़ी अच्छी मानी जाती है, मतलब इनका दूध बहुत सही माना जाता है। और ये हम इधर रुके हैं, गाड़ी लगा दी मैंने, यहाँ एक ढाबा दिखा, बेबी को कुछ खिलाना है, उसको मेडिसिन खिलानी है, बिना खाना खिलाए मेडिसिन नहीं खिला सकते, तो हम इधर रुके, वाइफ और बेबी जा रहे हैं आगे, मैं भी जाता हूँ, कुछ देखते हैं खिचड़ी विचड़ी कुछ मिलेगा तो खिलाते हैं। ये हम इधर बैठे हैं गुजराती थाली खाने के लिए, और ये छाछ का पूरा बाल्टी आया है, डूंगा लोटा, लोटा भर के छाछ है, ठंडी है, हाँ 2 लीटर होगा। और यहाँ पे सलाद वलाद आया है, अभी मेन खाने का वेट कर रहे हैं, और जैसे गुजरात में होता है नमक और छाछ वाला मसाला यहाँ पे है, अभी देखते हैं सब्ज़ी क्या आएगी, बेबी बीमार है हमारा, दवाई खिलानी है इसको, सब्ज़ी भी आ गई, ये हमारी सब्ज़ी आ गई, ये तो वो है क्या होता है इसको, सेव, हाँ सेव, ये क्या है, ये तो बैगन लग रहा है, हाँ मसाला बैगन, वो तो दाल लग रही है, हाँ भाई लोबिया की दाल, और ये तो आलू की सब्जी है, दाल होगा, हाँ दाल मीठा होगा, और ये सब्जी है। ये थाली पूरी हो गई है वाइफ की, ये थेपला है पीला पीला, और उसके नीचे नॉर्मल रोटी है, और ये 4 सब्जियां हैं, और ये सलाद वलाद भी डाल दिया वाइफ ने साइड में, और वो भी मिलेगा, राइस और दाल भी है, बट दाल मीठी है तो हम तो नहीं खाएंगे, बेबी खाएगा थोड़ा सा, उसके लिए ले लेंगे बाद में। ये लंच ऑलमोस्ट हो गया हमारा, सबसे मज़ेदार इस थाली में ये था, मिर्ची का अचार बहुत अच्छा था, ये मिर्ची में मिर्च नहीं है बट इसमें सरसों लगाई हुई है तो फ्लेवर आ रहा है, और इसके साथ थोड़े थोड़े गाजर के पीसेस थे। सेकेंड आइटम जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये बैंगन की सब्ज़ी है, ये मैंने काफ़ी खाई है, मेरी दूसरी कटोरी है, और ये मुझे मज़ा आया ये थेपले के साथ खाने के लिए, थेपला जो होता है ये इसका होता है बेसन का, और जैसे गुजरात में होता ही है भर भर के छाछ मिली, ये डूंगा भर के, कल हमने आपको टंकी वाली छाछ दिखाई थी, ये डूंगा वाली छाछ है। अब ये फटाफट ख़त्म करते हैं, ये 150 की थाली थी, काफ़ी सही थी, ख़त्म करते हैं और फिर चलते हैं यहाँ से। ये गुजरात का ये है, यहीं देखा मैंने ये काला काला सौंफ, बट अच्छा लगता है मुझे, एक दो बार मैंने खाया सही लगा, हाँ चलिए ये खाते हैं फिर चलते हैं। इधर रुके थे हम होटल कांधली कृपा, काफ़ी सही था, और यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग था, जो ओनर था आई थिंक उसका बेटा था जो काउंटर पे बैठा था, उसने अपना होटल मैनेजमेंट वहाँ से किया था, कहाँ से, हैदराबाद गच्ची बावली से, और उसने थोड़ा टाइम वाइजैग भी रहा था, तो हम तो ऐसी बातें कर रहा था, तो उसने पूछा कहाँ से हो, तो हमने बताया हम दिल्ली के हैं बट अभी हैदराबाद में हैं, तो कहता आपको तेलुगू आती होगी, मैं बोला नहीं, मैंने बोला हम तो ऐसे ही काम चला रहे 3-4 साल, कह रहा मैं पढ़ने गया था बट मेरा काम तो नहीं चला, बिकॉज वो बता रहा था, कह रहा था तब मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और वहाँ के लोगों को गुजराती नहीं आती थी, और इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो यूज़ हो सकती थी बट इसको नहीं आती थी, तो फिर उसने तेलुगू सीखी, बट हमें तो आती नहीं है। आप देख सकते हो पीछे इधर अपनी गाड़ी खड़ी है, बहुत सारी गिर वाली गैया हैं, वही गैया के साथ हमने गाड़ी खड़ी कर दी थी, थोड़ी शेड थी, बेटे को दवाई खिला दी है, बीमार था वो, अब शायद उसे थोड़ा राहत मिले बुखार से। अब चलते हैं, अभी भी आगे पोरबंदर है, अभी भी 60 किलोमीटर के आसपास, और अपना वो अभी 160 किलोमीटर के आसपास होगा द्वारका, तो चलते हैं। देखो ये समुंदर आ गया, मैंने आपको बताया था कि हम ये रोड इसलिए ले रहे हैं कि अपने को पूरे रास्ते समुंदर के किनारे किनारे से जाना है, सो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है। एक मिनट गाड़ी रोक के दिखाएं या ऐसे दिखा, हाँ ये अरेबियन सी है, वहाँ देखो आप लोग नहा रहे समुंदर में, अच्छा लग रहा है, बट गर्मी बहुत है, हमारा बेटा थोड़ा बीमार है, अब जाएं ना जाएं नहीं जाते, धूप है, बट बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर, बेटा सही होता एकदम तो हम पक्का जाते ट्राई करते, बट वो बीमार है अभी धूप में जाने का मन नहीं। कैमल भी है, वैसे कैमल तो उसने कल चढ़ा था, वो कैमल राइड उसने कर लिया था, क्या बेच रहे हैं, लहसुन, अच्छा नहीं शंख बेच रहे हैं,
ये यहाँ पे आंटी लोग शंख बेच रहे हैं रोड के साइड साइड में, वो भी हमने वैसे कल ले लिया एक। चलिए, काफ़ी सुंदर समुद्र, इसीलिए आए थे हम इस रास्ते से कि ऐसे ही देखने को मिलेगा बोल के। चलिए देखते हुए जाते हैं, मज़े लेते हुए नज़ारों के हम जा रहे हैं। हाँ, एकदम नीला लग रहा है पानी, यहाँ मज़ा आएगा जाने में। पर क्या करें, गर्मी बहुत है, पार्किंग भी नहीं दिख रही और बेटा भी थोड़ा बीमार है इसीलिए नहीं जा रहे, वरना मन तो है। इतना साफ समुंदर लग रहा है, कोई लोग नहीं है, अच्छा लग रहा है बड़ा। चलिए आगे चलते, देखते हैं कहीं पे अगर कुछ मन किया तो देखते हैं जाएंगे। समुंदर किनारे देखो आप, छोटे छोटे मंदिर हैं और कितना सही शिवलिंग बनाया हुआ है वहाँ पे। पता नहीं जब ज़्यादा तूफान उफान आता होगा तो पानी शिवलिंग के बेस तक आता होगा, ऐसा लग रहा है उछल के। हाँ, बड़ा अच्छा बनाया है, बहुत सुंदर। इसी वजह से हम इस रास्ते से आए जो एकदम तट के साथ चलता है, समुद्री तट के साथ साथ सोमनाथ से ऊपर द्वारका जाता है। यही व्यूज़ इंजॉय करने के लिए आए थे हम। आप वैसे सामने देख सकते हो, रोड भी बढ़िया है, एकदम मज़ेदार है। और हल्के हल्के वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं जिन्हें, अब हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नाम याद नहीं, बट ये समुंदर के किनारे होते हैं ऐसी छोटी छोटी झाड़ियों के जंगल, वही देख रहे हैं। चलिए, अब रह गया है, सामने बोर्ड भी आ गया किसी चीज़ का, यहाँ से द्वारका है 159 और पोरबंदर है 59, मतलब ऑलमोस्ट 59 किलोमीटर पोरबंदर है और द्वारका 159 है। तो चलिए चलते हैं, ये है नेशनल हाईवे 51। हमने आप देखिए, अब इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, बट ये चक्री है जो बिजली बनाती है, हवा से चलती है, इंग्लिश में विंडमिल बोलते हैं। ये हवा वाली चक्री, हाँ बहुत सारे हैं और ये घूम रहे हैं, तो मतलब बिजली बन रही होगी कई जगह। अभी रास्ते में हमने देखे बहुत, बट कई जगह चल नहीं रहे थे बिकॉज हवा का प्रेशर नहीं था, तो वहाँ तो बिजली नहीं बन रही होगी, बट यहाँ तो घूम रहे हैं, मतलब ये बिजली बना रहे हैं। और रोड मज़ेदार है, एकदम पूरा हाईवे बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने, ट्रैफिक हल्का फुल्का है बट फिर भी रोड बहुत अच्छी बनाई है। और कोकोनट के खेत हैं, मैंग्रोव के जंगल हैं, ट्रैफिक कम है रोड पे, बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी रोड। सामने टोल प्लाजा आ गया है और ये है कहाँ का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, हाँ गोरसार, हाँ गोरसार टोल प्लाजा है ये, NH 51 पे है और इससे हम जा रहे हैं। और एकदम सामने विंडमिल दिख रही है, बड़ी सही, हल्की हल्की घूम रही है, कुछ बिजली बना रही है पर ज़्यादा नहीं। और टोल कितना है यहाँ, 105, चलो ठीक है 105, तो रोड तो अच्छी है, अब रोड अच्छी हो तो किसी को दिल भी नहीं दुखता टोल देते हुए। चलिए, टोल प्लाजा पार हो गया, अब चलते हैं आगे। अब ये हम सोमनाथ से आए और द्वारका जा रहे हैं, तो मैं कहा रास्ते में जाते जाते आपको सोमनाथ की कहानी बताता हूँ। ये एक टीवी शो आता था, देवों के देव महादेव, उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी देखी थी, वहाँ से मेरे को आइडिया लगा था। सोमनाथ क्या है, सोमनाथ मंदिर है शिव जी का, जो सबसे पहले चंद्रदेव मतलब मून गॉड ने बनाया था। और था क्या, जो चंद्रदेव थे उनकी 27 बीवियाँ थी और वो सारी बहनें थी, मतलब दक्ष प्रजापति की बेटियाँ थी। बट जो चंद्रदेव थे, जो भगवान थे, उन्हें अपनी एक पत्नी से सबसे ज़्यादा प्यार था, उनका मैं अभी नाम भूल गया, बाकियों को वो प्यार नहीं करते थे, मतलब उतना नहीं करते थे। तो ये जब उनको पता लगा, दक्ष प्रजापति को, जो उनके ससुर जी थे, तो बड़े नाराज़ हुए वो, और उन्होंने इसी बात पे चंद्रमा जी को श्राप दे दिया। और वो श्राप ये था कि तुम मतलब ख़त्म हो जाओगे, होते होते ख़त्म हो जाओगे, कम होते होते। तो फिर अब इस श्राप का इलाज क्या करे सोच के, फिर किसी ने चंद्र जी को एडवाइस दी कि आप शिव जी की पूजा करो, शिव जी का मतलब वो करो, क्या करते हैं पहले वो करते थे ना, यज्ञ तप करते थे, हाँ तपस्या करो आप शिव जी की, और शिव जी से फिर कोई वो मांगो आप, मतलब सोल्यूशन। तो उन्होंने शिव जी की तपस्या करी, शिव जी प्रकट हुए वहाँ पे, फिर उन्होंने चंद्रदेव को ये मतलब कर्ज कम करने का, मतलब वो जो श्राप मिला था उसे उसका असर कम करने का ये वरदान दिया, कि उन्होंने बोला ठीक है तुम धीरे 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 कम होते जाओगे बट फिर तुम फुल हो जाओगे। इसलिए चांद जो है आप देखते हो,
चंद्रमा धीरे 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 कम होता है, फिर एकदम कम पे आता है, और फिर धीरे 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 बढ़ के फुल मून होता है, फिर वो धीरे 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 कम होते होते अमावस्या आ जाती है, फिर वो दोबारा बढ़ बढ़ के फुल मून होता है। तो ये कॉन्सेप्ट पे ये सोमनाथ का मंदिर है। इसे कहा जाता है कि सबसे पहले चंद्रमा जी ने इसे सोने में बनाया, फिर रावण ने इसे चांदी में बनाया, फिर कृष्ण जी ने इसे वुड को क्या बोलते हैं, लकड़ी में बनाया, और फिर लास्ट में भीम जी ने इसे पत्थर में बनाया, स्टोन से बनाया। सो ये छोटी सी कहानी है सोमनाथ की। मुझे हर कहानी में बड़ा इंटरेस्ट आता है, ऐसी कहानियों में जानने में इंट्रीग आता है। और नागेश्वर की भी कोई कहानी है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वहाँ आई थिंक कोई वो बैठा था, क्या बोलते हैं वो जो होता है ना बंदा जो जानवर मारता है, शिकारी, कोई शिकारी बैठा था, वो रात भर वो करता रहा, फूल गिरते रहे, पूजा होती रही शिव जी की, और वो प्रकट हो, ऐसी कोई बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। नागेश्वर की भी बताएंगे जब उस वहाँ जा रहे होंगे, तो ऐसी गाड़ी में वाली स्टोरी भी, तब तक मैं रिसर्च भी अच्छे से कर लूँगा। अभी तो मेरे दिमाग में जो याद है मेरे को बस वही पता है, तब मैं अच्छे से वो रिसर्च करके हम आपको बताएंगे। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं द्वारका की ओर सोमनाथ से। ऐसे मुझे याद आया कि हमने इस पूरी ट्रिप में सोमनाथ की कहानी डिस्कस नहीं करी, तो मैं सोचा आपको बताएं। चलिए ये हम आ गए हैं पोरबंदर बाईपास पे। अब क्या है कि ये यहाँ से एक सीधी रोड जाएगी पोरबंदर शहर के अंदर, बट अपने को उधर नहीं जाना, अपने को तो जाना है द्वारका की साइड। सो हम क्या करेंगे, हम पकड़ लेंगे बाईपास। अब अगर मैं आपको बताऊं, ये देखो यहाँ पे सामने बोर्ड लिखा है पोरबंदर यहाँ अंदर और टोल रोड स्टार्ट। अब क्या है, यहाँ से टोल रोड स्टार्ट है, या तो आप पोरबंदर शहर अंदर जाके भी जा सकते हो। ये जो गाड़ी आई सामने वाली, ये पोरबंदर वाले रास्ते से आई, ये कट है पोरबंदर का, ये वाला, ये अंदर पोरबंदर शहर जाएगा जहाँ गांधी जी पैदा हुए थे, बर्थ प्लेस ऑफ गांधी जी। हम इसे बाईपास करने की कोशिश करेंगे, तो ये हमने बाईपास पकड़ लिया है, और ये बाईपास अपने को शहर पार करा के फिर दोबारा वहीं आगे उस रोड पे जोड़ देगा। सो चलिए चलते हैं। बड़ा सुंदर एक मंदिर है, और उस मंदिर की सुंदरता इस बात में कि इसमें अलग अलग रंग के झंडे हैं, एक गहरवा है, एक लाल है, उधर सफ़ेद भी है। हाँ बड़ा सही है। ये पोरबंदर के आउटर से निकल रहे हैं हम, पोरबंदर बाईपास कर रहे हैं। वो जो आपको दूर में शहर दिख रहा है वो पोरबंदर शहर है, बट हम शहर से नहीं जा रहे, हम शहर को बाईपास में। वो वहाँ पे आप नज़ारे देखो कितने अच्छे हैं, चिड़ियाएँ हैं बहुत सारी, और पानी है, और इससे थोड़ा सा एक तो नहीं मतलब 3-4-5 किलोमीटर आगे में समुंदर होगा शायद, तो पानी समुंदर में कहीं जा रहा है। द्वारका अभी रह गया 107 किलोमीटर। अगर आपको सामने की रोड दिखाएं तो आप देखो क्या बढ़िया रोड है। मुझे यही याद है गुजरात का, जब मैं 2018-19 में आया था, 19 में आया था गाड़ी लेके, 18 में तो हम फ्लाइट से अहमदाबाद आए थे, फिर टैक्सी करके सोमनाथ आए थे, बट 2018 में हम दिल्ली से गाड़ी लेके आए थे वैगनार। तो हमें यही याद है कि रोड बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया रोड पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं, मतलब कम होता था, लेकिन रोड बनाई बहुत अच्छी होती थी, जैसे ये आप देख सकते हो। अब यहाँ पे पोरबंदर का बोर्ड दिख रहा होगा आपको, जिस शहर को हम बाईपास कर रहे हैं वो अंदर 8 किलोमीटर है, बट हम तो सीधा चले जाएंगे द्वारका की ओर। राजकोट के लिए भी वहीं से रास्ता बता रहे हैं, बट सीधे में द्वारका 107 किलोमीटर में। चलिए चलते हैं। सिटी है नेवल ऑफिसर्स रेजिडेंशियल एरिया, और एक बड़ा सही सीन देखा मैंने वहाँ पे। अभी कैमरे ने कैप्चर नहीं किया होगा बिकॉज इतना पावर नहीं है उसमें। वहाँ दो वो थी, जैसे मिलिट्री में क्या होता है, मिलिट्री पुलिस बोला जाता है, वो फंक्शंस पुलिस के करते हैं बट वो होते मिलिट्री के पार्ट हैं। तो वहाँ नेवी की दो ऑफिसर्स तो नहीं, मतलब सोल्जर्स थी जो सेंट्री ड्यूटी, मतलब गार्ड ड्यूटी पे थी। तो वहाँ कोई ऑफिसर आया होगा, तो दोनों ने बहुत एक स्मार्ट सल्यूट मारा, एकदम स्मार्ट। दो लेडीज़ थी, ये इंडिया के क्या बोलते हैं डिफेंस पॉलिसी में पिछले कुछ सालों में काफ़ी चेंजेस आए हैं, बहुत विमेन फ्रेंडली बनाने की कोशिश करी गई है डिफेंस फोर्सेस को, जो पहले नहीं था, अब वो कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक उस कल्चर में जाते हुए, अदरवाइज़ जब मैं छोटा था बचपन में, मुझे कहीं याद नहीं कि कहीं पे भी अगर आर्मी या मतलब नेवी एयरफोर्स किसी का भी एरिया हो तो वहाँ लेडी गार्ड ड्यूटी पे होती थी। यहाँ मैंने देखा, और आजकल मैंने काफ़ी जगह देखा है, तो वही मुझे ध्यान आया। ये सामने देख सकते हो, अभी हम पोरबंदर के बाहर से जा रहे हैं, पोरबंदर तटीय एरिया है इसलिए यहाँ नेवी के काफ़ी स्टेशंस हैं, नेवी का, इसलिए यहाँ पे पूरा ऑफिसर्स या मतलब सिपाहियों के रहने का, सोल्जर्स के रहने का वो था, क्या बोलते हैं, क्रू के रहने का घर था, रेजिडेंशियल टावर्स थे काफ़ी अच्छे। चलिए चलते आगे। देखो आप, इतना खाली टोल प्लाज़ा आपने इंडिया में कहाँ देखा होगा, एक गाड़ी नहीं है लाइन में,
इस टोल प्लाजा का नाम है टोल प्लाजा कुचाड़ी और ये पोरबंदर से जस्ट बाहर पे हैं हम और जा रहे हैं द्वारका की ओर। देखो आप कितना खाली टोल प्लाजा, 5 लेन है, 1 गाड़ी नहीं है। ऐसा बहुत कम जगह इंडिया में देखने को मिलता है। इससे आपको पता लगता है कि यहाँ कितना सोच के डेवलपमेंट करा गया है। मतलब उम्मीद है कि इस रास्ते में आई थिंक ट्रैफिक बढ़ेगा, इसलिए इतना पहले से इसको इतना सही बनाया है। मतलब चौड़ी सड़कें हैं, गाड़ियाँ कम हैं, इसलिए अपने को भी आज ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर कवर करना था, बट गूगल बस 4 घंटा बता रहा था कि 4 घंटा कवर हो जाएगा। और आज की ताज़ा खबर यह है कि अब हमारा बेटा वीडियो में दिखने लग गया है। मतलब इसने दवाई खाई थी, अब इसमें थोड़ी जान आ गई है, तो थोड़ी देर जान रहेगी। अभी फीवर की दवाई खाई है, पहले दिख नहीं रहा था, आज पूरे वीडियो में दिखा नहीं होगा बिकॉज ये पीछे लेटा हुआ था। अब खाना खाने के बाद इसको दवाई दी थी, अब इसमें लग रहा है जान आ गई है, तो अब ये दोबारा लटकना इधर उधर शुरू कर रहा है, हंसना शुरू कर रहा है, वरना दिन भर तो ऊँ करके बैठा था बीमार होके। चलिए होपफुली अब ये ठीक भी हो जाएगा, चलते। रोड में देखो आप, कोई मंदिर है शायद, वहाँ पे एकदम लाल रंग का झंडा लगाया हुआ है और क्या लहरा रहा है ये, वाह। यहाँ ये समुंदर के पास का एरिया है तो हवा तो चलती रहती है, इसलिए आई थिंक इतने अच्छे अच्छे झंडे लगाए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़े सुंदर लग रहे हैं लहराते हुए। और बहुत सारे वो भी हैं, विंड मिल्स भी हैं। चलिए रोड भी बहुत बढ़िया है, अब चलते हैं। अब लगभग 1 घंटे का रास्ता रह गया। इंटरेस्टिंग बात यह है, आप ये गूगल मैप का स्क्रीन देखो, ये बोल रहा है कि 80 किलोमीटर है अपना डिस्टेंस, बट टाइम ये बोल रहा है बस 1 घंटा ही लगेगा, मतलब 1 घंटा 2 मिनट। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बिकॉज इंडिया में ऐसी बहुत कम रोडें होंगी जहाँ ये ऐसा बताएगा। नॉर्मली क्या होता है, अगर हमें 80 घंटे बताते तो कम से कम 2 घंटे तो होते ही हैं, सॉरी 80 किलोमीटर होता है तो 2 घंटे लगते ही हैं, बट 80 किलोमीटर के लिए 1 घंटा, मतलब ये रोड लगभग लास्ट तक ऐसी ही होगी, तभी पॉसिबल है कि 80 किलोमीटर 1 घंटे में कवर करा जाए, अगर ये पूरी रोड इतनी साफ हो तो। सो गूगल तो यही बोल रहा है कि होगी। और आगे एक और झंडा आ गया है, क्या बोलते हैं इसको, सैफ्रो कलर, हिंदी में क्या बोलते हैं, गैरवा रंग बोलते हैं, केसरी गैरवा भी एक रंग होता है कोई, हाँ केसरी है तो केसरी है। चलिए हनुमान जी को बोलते हैं ना, क्या केसरी कुछ बोलते हैं, भूल गया मैं अभी, बट हाँ वही रंग है। इंटरेस्टिंग झंडा देखा इसमें आप, रंग देखो, पहले केसरी है ऊपर, उससे ऊपर पीला है, फिर नीला है, फिर पिंक है, फिर पीला है, अलग अलग रंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग। चलिए चलते आगे की रोड, जितनी तारीफ़ करी जाए उतनी कम है, खाली रोड है। देखिए क्या बढ़िया सा पुल बनाया हुआ है, साइड में पानी है नीले नीले रंग का, हरे हरे रंग का, सीधा रोड है, दूर दूर तक दिख रहा है खाली खाली रोड, बहुत सुंदर, बड़ा मज़ा आया आज गाड़ी चलाने में, मज़ा आ रहा है। पुलिस, ये आगे गुजरात पुलिस की चेक पोस्ट आ गई है, और यही चेक पोस्ट पार करने पे कोई बहुत बड़ा पुल है, नदी ही होगी, कोई नदी होगी जो समुंदर में जा रही होगी, उसका कोई बहुत बड़ा पुल दिखा रहा है। ये आप देखो मोगरे का पेड़, ड्रम स्टिक कितने सारे लगे हैं इसमें, ये पुलिस वालों के बैठने के एकदम ऊपर में, एकदम भरा हुआ है, कोई खा भी नहीं रहा। ऐसे हमने बहुत पेड़ देखे हैं यहाँ, लग रहा है इसकी कोई इज्जत नहीं है। अपने यहाँ तो ये 150 रुपये किलो बिकता है, 40 रुपये पाव, बट यहाँ बहुत है, कोई तोड़ नहीं रहा, बहुत पेड़ दिखे। ओ वाह कितना अच्छा लग रहा है ना, इधर समुंदर में जा रहा है, ये नदी है या ये समुंदर का ही पानी है, बैक मार के इधर आया है, बड़ा सही लग रहा है, सुंदर, अति सुंदर। चलिए है, ये लग रहा है समुंदर का पानी बैक मार के आया है या पता नहीं क्या है, हाई टाइड में पानी अंदर आता होगा शायद। देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर, ये बना हुआ है पुल का ये बॉर्डर, जिसकी वजह से पता नहीं कैमरा दिखा पा रहा है या नहीं, हमें तो दिख रहा, बड़ा सुंदर लग रहा है। और ये सामने रोड भी बड़ी मज़ेदार है, देख सकते हो आप, एक BMW गई अभी अपने सामने। चलिए चलते आगे, ये देखो आप कितना सही लग रहा है, ये फ्लैग अलग अलग रंग के हैं, बट ये किस भगवान जी के, कोई मंदिर लिखा है, श्री क्या लिखा है, ये गुजराती में लिखा है, कुछ धाम है, सोतो तेर धाम, श्री वाह एवं भीमा, पता नहीं ये गुजराती क्या, थोड़ी थोड़ी हिंदी जैसी है, तो थोड़ा थोड़ा तो अपने को समझ में आता है बिकॉज हिंदी हमने पढ़ी है, बट ये पूरी हिंदी नहीं है, मतलब एग्जैक्ट हिंदी नहीं है, तो इसलिए हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटी समझ आ जाता है बट अच्छे से नहीं आता। चलिए NH 51 चलते हैं द्वारका की ओर। ये देखिए आप कितने अच्छे लग रहे हैं, ये गाय खेत जोत रहे हैं, कितने मोटे मोटे हैं, ऐसे मोटे मोटे सींग हैं इनके, बड़े सही, बड़े अच्छे लग रहे हैं। अंकल हाय बोल रहे हैं हमें। राम राम। चलिए चलते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, आजकल ट्रैक्टर व्रैक्टर दिखता है ऐसे खेत में, दिखते नहीं है गोरू गाय बैल,
यहाँ दिखा तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाएं, बड़ा अच्छा लग रहा है कैसे जूत रहे। ये इधर ढाबे पे आया था मैं, शीतल आइसक्रीम का बोर्ड लगा था, मुझे लगा आइसक्रीम होगी बट नहीं है, मिठाइयाँ हैं। मिठाइयाँ तो अपने को खानी नहीं है, ये एक्चुअली बेबी को ग्रेप्स खिलाने हैं थोड़े, उसने खाना ढंग से खाया नहीं, बीमार है, हल्का फुल्का खाया तो अब जैसे उसको दवाई दी तो अब उसका बुखार कम हो गया, तो अब उसे भूख लग रही है। तो हमने गाड़ी यहाँ शेड में रोक दी गाय के पास, यहाँ गाय बैठे हैं। तो यहाँ पे अंगूर धो रही है वाइफ उसके लिए, ये काले अंगूर हैं हमने महाराष्ट्र में लिए थे, सो यही धो के इसको थोड़ा खाने को देंगे। आइसक्रीम तो नहीं मिला। ये यहाँ पे पत्थर की कोई वो बनाया है, रंग लगाया है, हाँ हनुमान जी का रंग लगाया है। मैं भी वही बोलने वाला था कि मुझे भी वही लग रहा है। यहीं पे हमारा बेबी बैठ के खा रहा है ग्रेप्स, शेड है यहाँ पे, छोटा सा मंदिर बनाया है और बहुत सारी गाय बैठी हैं वहाँ पे साइड में। ये गाय पहले उधर बैठी थी थोड़ा आगे, फिर क्या हुआ धूप है उधर तो ये सारे उधर से इधर आ गए शेड में। सही है, इनको भी पता रहता है कहाँ शेड है। सारे चिड़िया हैं, ये शायद फ्लमिंगो है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है देख के, वो भी ऐसे ही होते हैं। ये देखो आप पानी के उसमें कितने बैठे हैं, ये अभी कोई मूवी है ना, हाँ एक पैर में सोते हैं ना, अभी तो जगे हुए हैं बेचारे, अभी कौन सा सो रहे हैं वो। ये जो मूवी आई थी दुनकी, उसमें एक बड़ा सही लाइन बोलता है ना शाहरुख खान पासपोर्ट को लेके, कि ये जो चिड़िया है जो मतलब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं सीजन के हिसाब से, माइग्रेट करते हैं, इन्हें तो कोई नहीं बोलता कि तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं है, तुम इधर नहीं आ सकते उधर नहीं आ सकते। सो ये माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। ये क्या है, रशिया वशिया में जब बहुत ठंड हो जाती है ठंड के सीज़न में, तो ये इधर इंडिया साइड आते हैं, बिकॉज इंडिया साइड में भी ठंड होता है बट वहाँ जैसा नहीं होता, बर्फीला नहीं होता, मतलब यहाँ पे ठंड में भी थोड़ी बहुत धूप आती है, सब कुछ होता है, तो इनको खाना वाना मिल जाता है। सो ये माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। चलिए हम जा रहे हैं सामने द्वारका की ओर, चलते हैं। ये बस देखो आप, इस पे लिखा है पोरबंदर, एक तो पोरबंदर लिखा है, उसके बाद हर्ष पता नहीं क्या लिखा है, समझ नहीं आ रहा, द्वारका और फिर भीड़ापुर या मीड़ापुर ऐसी कुछ लिखा है, क्या बीजपुर, द्वारका बीजपुर नहीं है, द्वारका अलग है, वो शहर अलग है, वो देखो ना बीच में फ्लावर बना है, द्वारका के बाद हर शहर के बाद उन्होंने कुछ छोटा सा फ्लावर बनाया है बताने के लिए कि इस शहर से शहर जाती है। सो पोरबंदर से कोई हर्ष पता नहीं कहाँ जाती है, फिर द्वारका जाती है, फिर मीढ़ापुर या पता नहीं क्या है वो, मीढ़ापुर समझ नहीं आ रहा, बट हाँ ये गुजरात का इधर इसका लोकल रूट होगा बस का। चलिए चलते आगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है हम द्वारका जा रहे हैं, अब द्वारका में हम आज रहेंगे कहाँ, मैंने सोचा आपको थोड़ा उसका आइडिया दे देता हूँ। ये एकदम नई जगह होने वाली है। पिछली बार जब हम 2019 में द्वारका आए थे तब हम जिंजर होटल में रुके थे, तब वो ब्रांड न्यू खुला था, सही रेट था तब उसका 2500 आसपास में हमें मिल गया था। इस बार जब मैंने देखा तो वो सेम रेट लगभग 5000 से कम में मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने वो नहीं करा। इस बार मैंने क्या करा, कोई सरकारी होटल है इधर तोरण करके, सो गुजरात गवर्नमेंट का एक ब्रांड है तोरण बंगलो करके, तो ये उसका गुजरात गवर्नमेंट का सरकारी होटल है। अब हमने कई स्टेट्स के सरकारी होटल ट्राई करे हैं, जैसे मध्य प्रदेश के ठीक ठाक होते हैं, कर्नाटका के भी ठीक ठाक होते हैं, अच्छे होते हैं, तमिलनाडु का बहुत बेकार था एक जो मैं TTDC गया, और वैसे ही महाराष्ट्र का जो हम गए वो भी बेकार था भीमा शंकर पे। अब ये गुजरात वाला हम सरकारी होटल पहली बार जा रहे हैं तो अपने को आइडिया नहीं कैसा होगा, देखते हैं जाके। रिव्यूज़ ठीक थे गूगल पे, 4 रेटिंग थी इसकी गूगल पे, 4 पॉइंट कुछ थी, तो भाई देख दाख के मैंने लिया था। दो दिन के हमने यहाँ ऑलमोस्ट 5200-5300 रुपये दिए, जिसमें बच्चे का अलग से एक्स्ट्रा लगता है, तो दिन का 400 बेबी का एक्स्ट्रा लगा है, तो दो दिन का उसका 800 एक्स्ट्रा लगा है, वो मिला के हमने ऑलमोस्ट 5500 के आसपास कुछ दिया है। सो चलिए चलते हैं, मुझे उम्मीद है कि अच्छा होगा, रेटिंग अच्छी थी, एसी वाला मतलब नॉर्मल एसी वाला डीलक्स कमरा लिया है अपन लोगों ने, तो जाके देखेंगे। ये है कि मंदिर के काफ़ी पास दिखा रहा था, जो वो जिंजर था जहाँ हमने पिछली बार रुके थे वो मंदिर से 12-15 किलोमीटर दूर था, तो हमें गाड़ी लेके मंदिर आना पड़ा था। इसी चक्कर में मैंने इस बार ये करा कि ये पास भी है और सस्ता भी है, बट अब कैसा होगा ये नहीं पता, जाके पता लगेगा, तो चलिए देखते हैं। और ये दिन के बज गए हैं 2:45, और देखिए भैंसों के भी घर जाने का टाइम हो गया, दिन भर इन्होंने खाया पिया चरे और अब अपने घर को लौट रहे हैं अपने झुंड में अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। सही है घर जा रहे हैं, हमारा तो अभी 4 दिन है घर पहुँचने के लिए। चलिए हम चलते हैं आगे द्वारका की ओर।
और ये सामने एक और टोल प्लाजा आ गया है। अब यहाँ से हमारा होटल बस 28 किलोमीटर है, तो मुझे और ये जगह का नाम है नवी मधी, नवी मधी। तो मुझे अब उम्मीद है कि आखिरी टोल प्लाजा होना चाहिए आज का, बिकॉज अब 28 किलोमीटर में दूसरे टोल प्लाजा का कोई तुक नहीं बनता। नवी मधी पे है ये टोल प्लाजा और हम जा रहे हैं द्वारका की ओर। वैसे पीछे नवी मधी लिखा था, यहाँ लिखा है टोल प्लाजा क्या है ओखामढ़ी, टोल प्लाजा ओखामढ़ी नाम लिखा है इसका। और यहाँ से चलिए अब निकलते हैं, गाड़ी आ गई सामने, इसके पीछे पीछे निकलते हैं, चलिए चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हम एकदम समुंदर के पास है, वहाँ पे समुंदर है हमारे लेफ्ट में, और यहाँ कोई छोटा सा मंदिर या कोई टूरिस्ट स्पॉट है। काफ़ी बस रुकी हुई हैं, मिनी ट्रक रुके हुए हैं, लोग दिख रहे हैं वहाँ। आई थिंक यहाँ बीच पे जाते होंगे लोग, ऐसा लग रहा है। हम भी जाएंगे बट हम द्वारका बीच जाएंगे, और ये तो हम नहीं जाएंगे, वैसे भी हमारा कट छूट गया वहाँ जाने के लिए। हाँ ये सेम ही है, वही समुंदर है जो द्वारका पे मिलेगा। हाँ अरेबियन सी पता है, बेबी को सब पता है। चलिए देखिए क्या बढ़िया रोड है सामने, इसी को पार करते हुए जा रहे हैं। ये इधर मेरे को एक विंडमिल दिखी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखाऊं, और उसमें बिजली कैसे ट्रांसफ़र होती है वो मैं आपको दिखाना चाहता था। मेरे तो ऊपर का तो आपने बहुत बार देखा होगा, बट वो नीचे का नहीं देखा होगा। सो नीचे क्या होता है ये देखो आप, ये पवन चक्की है, विंडमिल है मेरे पीछे, ये पूरी लंबी चौड़ी, और इसके वहाँ पर देखो आप वो बेस पे, वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर सा बना हुआ है, और वो आगे एक और पर जुड़ा है, और वो फिर आगे गाँव की तरफ तारे जा रही हैं। मतलब ये बिजली बनाता है, उसमें ट्रांसफ़र होता है, फिर वो ट्रांसफार्मर से वहाँ जाता है। ये देखो आप, अगर आप क्लियरली नहीं देख पा रहे तो वहाँ पे वो वाला ये है, और ये विंडमिल है ऊपर से नीचे तक ऐसे, उसमें बिजली वो करके वहाँ। तो अब मेरे को समझ आया कि इसके नीचे ट्रांसफार्मर वगैरह लगाते हैं, कहीं तो ज़मीन पर भी होता है। एक हमने कर्नाटका में देखा था पिछले साल गोवा जाते, वो तो ज़मीन पर था बड़ा सा ट्रांसफार्मर। इसमें तो इन्होंने ये विंडमिल के हल्का से ऊपर बना के फिर आगे उससे उसको कनेक्ट कर दिया है एक और पे, और वो फिर नॉर्मल गांव की तारों पे कनेक्ट हो गया। मतलब इसी गांव को सप्लाई दे रहा होगा ये, ज़्यादा दूर नहीं जा रहा। मतलब कोई बड़ी बड़ी तारे नहीं है, वो बड़े बड़े जो होते हैं वो लंबे लंबे बिजली ले जाने वाले वो नहीं है, छोटे ही हैं। तो ये मतलब आसपास गांव में ही जा रही है बिजली। टाटा का जिंजर होटल, पिछली बार जब हम आए तो हम इसमें रुके थे, तब ये ब्रांड न्यू था, यही 4-5 सालों में इतना पुराना सा लग रहा है ये, है ना। तब कितना चमक रहा था ये, एकदम नया था जब हम आए थे, बहुत सही था। थोड़ा थोड़ा काम भी हो रहा था। हाँ थोड़ा थोड़ा काम भी चल रहा था, पूरा बना नहीं था, रेट भी काफ़ी अच्छा था, नाश्ता भी अच्छा था, प्योर वेज नाश्ता था, मतलब अंडा भी नहीं था बट अच्छा था, हमने खाया था नाश्ता यहाँ पे। और ये डॉट हाईवे पे है, मतलब अगर आप सोमनाथ साइड से आ रहे हो तो ना लेफ्ट जाना है ना राइट जाना है, सीधा इसी आगे वाली रोड पर ही आपको ये मिल जाएगा। इसके आगे द फर्न करके भी एक है होटल, वो भी काफ़ी सही है। हाँ यहाँ पर भी टेम्पल बना रहे हैं, कितना सुंदर। अब हमारा रह गया है डिस्टेंस 9 मिनट का रास्ता रह गया, 8 किलोमीटर रह गए, और अपना होटल सरकारी वाला वहीं पास में होगा मंदिर के। चलिए चलते हैं सामने, देखो द्वारका नगरी दिखनी शुरू हो गई है, कितनी सही लग रही है। वो बीच में जो दिख रहा है वही है मंदिर शायद, मुझे ऐसा लग रहा है ना। अब हमारा होटल भी यहाँ से 3 किलोमीटर है, उसी के आस पास ही है शायद। वो जहाँ मंदिर है वो आई थिंक 2 किलोमीटर होगा यहाँ से। देखिए कितना सही लग रहा है द्वारका नगरी फाइनली। अब ये द्वारका नगरी हमारे पूरे ट्रिप का सबसे मतलब लास्ट वो है, अब इसके बाद जो भी रास्ता होगा वो बस लौटने का होगा, रुकने का नहीं होगा। मतलब यहाँ से हम फिर वडोदरा जाएंगे, वडोदरा से औरंगाबाद, औरंगाबाद से हैदराबाद, बट वो खास कुछ मतलब काम नहीं होगा, बस दिन भर गाड़ी चलाएंगे, रात को रुकेंगे। ये लास्ट जगह है जहाँ हम दर्शन वर्शन करेंगे, मतलब एक दो दिन आराम से बैठेंगे। चलिए होटल ढूंढते हैं, द्वारका नगरी तो आ गई। ये यहाँ पे आप देखो वेलकम टू द्वारका इस्कॉन गेट लिखा है। हाँ। यहाँ शायद कहीं इस्कॉन का मंदिर होगा शायद आसपास। हम तो अभी भी अपना होटल ढूंढ रहे हैं, तोरण होटल, अब यहाँ से 1 किलोमीटर बता रहा है, चलिए ढूंढते हैं। होटल तोरण द्वारका नियर गवर्नमेंट सर्किट हाउस 1 किलोमीटर, यही है अपना होटल, इधर ही जाना है हमें। ये सरकारी एरिया में ही है सर्किट हाउस के आसपास। हाँ ग्रीनरी है, चलिए चलते हैं, अब 1 किलोमीटर रह गया बस। और ये सुबह से 250 किलोमीटर कवर करके हम आ गए हैं। ये है हमारे पीछे होटल तोरण, गुजरात टूरिज्म का होटल, यहीं रुकेंगे आज हम, और फिर कल घूमेंगे हम टेंपल वगैरह। आज बेबी थोड़ा बीमार है तो ज़्यादा घूम नहीं रहे,
हल्का फुल्का घूमेंगे अभी थोड़ी देर में, तो इस ब्लॉक को ख़त्म कर देते हैं। कितना टाइम लगा अपने को? 5-6 घंटा लगा आज आने में, ये कवर करने में डिस्टेंस।